यार कोई ऐसा फिल्टर मिल जाए जिससे मेरे भी 5 लाख फॉलोअर्स हो जाए। कहाँ मिलेगा, एक बुड्ढे वाला तो एक इंसान ले गया। चलो, अरे आ गए आप सब लोग। आएंगे कैसे, नहीं आना तो पड़ेगा ही ना। 10 मिनट नहीं निकाल सकते मेरे लिए, सारे दिन बंदियों के साथ लगे रहते हो। संडे बुलाता हूँ सिर्फ, तो आना पड़ेगा। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं उसी बुड्ढे की जिसकी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। क्या हुआ, देखी नहीं? चलो कोई बात नहीं, देख लेना आराम से, और देखना ज़रूर, ठीक है? 7,000 व्यूज है उस पे। इसका बाण क्या, मैं हूँ थारा धर्मवीर हरियाणा। इसकी बाण का घंटा, मैं हूँ धर्मवीर हरियाणा। तो अरे असल हूँ मैं हूँ थारा ताऊ धर्मवीर हरियाणा। और इसकी बाण का आज है ना, मैं लिया के छोड़ूंगा उसने। पिछली वीडियो जब मैं बना रहा था, मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं कोई 60 साल के बुढ़े की वीडियो नहीं बना रहा। मैं एक नौजवान पंकज राठी की वीडियो बना रहा हूँ जो सिर्फ एक 30 साल का लड़का है। अभी हाल में धर्मवीर ताऊ का इंटरव्यू आया था इस दीदी के साथ। धर्मवीर ताऊ, यू कैन कॉल मी इवन धर्मू। आई लाइक दैट। उसमें अगर आपकी नज़र इस दीदी से हटी हो तो आप सबने देखा होगा कि दोनों को सेम फ्रेम में बहुत कम दिखाया गया, और जब भी दिखाया गया लड़की को आइडिया ही नहीं था कि ताऊ को कहाँ देखना है। होगा भी कैसे, ताऊ अगर सामने हो तो ही होगा ना। अरे मतलब ये वीडियो अलग अलग फ्रेम्स में शूट की गई है जिसके बाद इसे कंबाइन कर दिया गया। ये जो बीच में लाइन है ना, ये इसका प्रूफ है बहुत बड़ा। अगर ये दोनों सेम फ्रेम में होते तो फिल्टर दोनों पर लगता, मतलब वो लड़की भी बुढ़ी बन जाती। वो लड़का तो पहले से बुढ़ा बना ही हुआ है, फिल्टर दोनों पर लगेगा। इसलिए इस वीडियो को अलग अलग शूट किया हुआ है। मतलब अंकल कहीं, अंकल क्या, वो लड़का कहीं और बैठा था और लड़की कहीं और बैठी थी। एडिटिंग में दोनों को कंबाइन किया, बात बन गई। जो लोग एडिटिंग लाइन से है ना, उनको पता लग गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, और जो लोग नहीं है तो प्लीज़ भाई एडिटिंग सीख लो, अच्छी चीज़ है। ताऊ की बात करें तो एक फ़िल्टर है। हाँ हाँ मानता हूँ, बिना सबूत तो आप कोई बात ही नहीं मानोगे मेरी। आजकल तो कोई वैल्यू नहीं रही इंसान की। ये लो सबूत ले लो। सबसे पहले तो जाओ यूट्यूब पर और उसमें टाइप करो हेल्प देम। उसके बाद 2 मिलियन वाला चैनल तुम्हारे सामने खुलेगा। खुल गया, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो पंकज राठी के नाम से एक और चैनल दिखेगा, 700K सब्सक्राइबर्स वाला। हाँ उसमें क्लिक करो। एक मिनट, सब्सक्राइब करो पहले, इतना अच्छा आर्टिस्ट है, रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। देन उसके बाद राम राम ताऊ। व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट यार, मतलब सीरियसली अब तो हो गया ना यकीन। बोलो, हाँ रिश्तों में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ऐसे हाथ करके देखो, मैं सिखाता हूँ, इधर देखो पहले। रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हाँ पंकज भाई एक थिएटर आर्टिस्ट है जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। डांसर जिंदगी मेरा गाना, मैं हंसी गाना, तो छुमो तो नाचो तो गाओ मेरे संग, बोलो आई एम अ डिस्को डांसर। और उनकी आवाज में हरियाणवी टच है बिकॉज ही इज फ्रॉम हरियाणा। अर्थ हमने तो बेरा है, हमारे हरियाणा का नेशनल एनिमल है कटड़ा। नाउ सॉन्ग स्टार्ट। लेकिन पंकज भाई जितनी मर्जी आइडेंटिटी हाइड कर लो, आखिर हो तो इंसान ही ना। इंसान गलतियों का पुतला होता है। कर दी आपने गलती, ये देखो। इंस्टाग्राम पर बहुत ही कम फॉलोअर है, इसका बड़ा ही खेद है हमें, और हम चाहेंगे प्लीज आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करें ताकि आपको वहाँ पे एडवांस में सारी डिटेल्स और अपडेट्स मिल पाए हमारे चैनल के बारे में, और जितने भी वीडियोस के एक्स्ट्रा अपनी सोर्स हैं हम वहाँ डालते हैं। भैया कर लीजिए फॉलो, मिलते हैं इंस्टाग्राम पर। वाओ ताऊ का, मतलब पंकज राठी का इंस्टाग्राम चेक करते हैं। अरे ये नहीं, गंदी थूत कहाँ से आ गई है। राम राम ताऊ, क्या स्मार्ट लग रहा है यार ताऊ हमारा। ये पंकज भाई के बेस्टीज है, ये आपने धर्मवीर वाली आईडी में भी देखे होंगे। एक बात तो है, जो दो स्ट्रगल टाइम में साथ होते हैं, अगर वो सक्सेस टाइम में साथ हो तो बड़ा मज़ा आता है यार। इस फोटो में पंकज की पर्सनल आईडी टैग की हुई थी, बट पंकज भाई को लगा किसी को पता ना लग जाए कि ये एक फ़िल्टर है, उन्होंने जल्दी से अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी। बट इंसान अगेन गलतियों का पुतला होता है, उन्होंने एक और गलती कर दी। अपने स्केच की फ़ोटो देख कर वो रह ना सके और कमेंट कर बैठे अपनी रियल आईडी से। तो ये है पंकज राठी की रियल आईडी। ओहो पंक, मतलब नो डाउट। बट इंटरव्यू के बाद तो मैंने ठान लिया था कि इस बुड्ढे को पकड़ के रहूँगा। बुड्ढे को तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो बाल गिरते हैं उनको कैसे पकड़ोगे? है कोई सलूशन? चिंता ना करो, मेरे पास है स्किन जार, यही समझाएगी आपको। हाय योगी,
हेयर फॉल या आपको बॉल्डनेस हो रहा है, बॉल्ड पैचेस हो रहा है, आपका यहाँ से हेयर जा रहा है, आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. दिस रीग्रोथ हेयर ऑयल एंड दिस हेयर ऑयल इज एब्सोल्युटली मैजिकल. इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये ऑयल फॉर्मुलेटेड. एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस स्कैल्प टॉनिक. आपका जहाँ पर भी बॉल्डनेस है, जस्ट ट्राई दिस स्कैल्प टॉनिक. अप्लाई दिस ऑन द अफेक्टेड पार्ट कि 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में आपको न्यू बेबी हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा. जस्ट लाइक दीज टाइनी बेबी हेयर जो दिखाई देंगे. ओके बाय. पंकज भाई बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है. धर्मवीर कैरेक्टर में भला ही उन्होंने डार्क कॉमेडी की हो, लेकिन रियल लाइफ में वो एक देवता है. उनकी फाउंडेशन के नाम से पता लग रहा है हेल्प देम. वो सबको हेल्प करते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो बुजुर्ग हो. हेलो गाइस, रात के 2 बजे और हम लोग इस जगह पे आए हैं, रूपनगर थाना चौकी दिल्ली. 2 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे और हमने देखा था कि कुछ रिक्शा वाले यहाँ पर सोते हैं डेली. कुछ लोग जमीन पर सोते हैं, कुछ लोग अपनी रिक्शा पर सोते हैं. 8-10 घंटे काम करने के बाद ये लोग उसी रिक्शा पर सो जाते हैं. कमर तक सीधी नहीं हो पाती इन लोगों की. और जो लोग जमीन पर सोते हैं, क्या पता कब कोई कीड़ा कोई सांप उन्हें काट ले. बट दिस टाइम टू सरप्राइज देम, वो लोग सो रहे होंगे. आई एम सॉरी मैं उनकी नींद खराब कर रहा हूँ, बट इसके बाद ही लोग चैन से सो पाएंगे. कम ऑन. चलिए. अंकल जी नमस्कार, आपके लिए कुछ लेकर आए, आ जाओ. नीचे सांप सूप. वो कहते हैं ना, जो लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ दे, भगवान उसकी जरूर हेल्प करता है. देख लो आज उनके 6 लाख. मैं ऐसे किसी के लिए नहीं बोलता, लेकिन रिस्पेक्ट है यार पंकज भाई आपके लिए. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. और मुझे पता है आप अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखाना चाह रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्मवीर करेक्टर से जुड़ गए हैं. उन्होंने अपना बुढ़ापा तक इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, और अगर आप ऐसे आ जाओगे तो उनको बहुत हर्ट होगा, और वो फिर अपना बुढ़ापा एक डिसएडवांटेज के तौर पर जीना शुरू कर देंगे, तो वो आप बिल्कुल नहीं चाहते. और इस चीज़ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं भी खुश हूँ कि वो सब खुश है आपकी वीडियोज़ देख के, और ऐसे ही लगे रहो. और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई पंकज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो, बहुत अच्छा है भाई. लेकिन यार अगर आपको बिग बॉस ओटीटी में आना हो तो कैसे आओगे, फिल्टर के? सॉरी. तो चलो यार इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो पता ही है आपको जो सब बोलते वही बोल सकता हूँ मैं भी. और 10,000 तो है ही है, बढ़ा दो यार. मैं खुशी हूँ ऐसे, कोई सीन नहीं. मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं कंटेंट के लिए नहीं करता है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है. तो मैं आप सड़कों पे जाके वो गरीबों की वीडियोस नहीं बनाया करूँगा, और आप भी ना बनाना. अगर मन हो तो बनाओ, अगर कंटेंट के लिए करना हो तो रहने दो. ठीक है, तो चलो चलता हूँ मैं.